हाय फ्रेंड, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं वीरेंद्र टेक्निकल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज का वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूब चैनल का यूआरएल को डिलीट कैसे करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, यदि आप अपने यूट्यूब चैनल का यूआरएल को डिलीट करना चाहते हैं यानी रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कैसे करेंगे, इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा। तो फ्रेंड, बिना लटके इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले फ्रेंड, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर नई नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, यूट्यूब चैनल का कस्टम यूआरएल लिंक को डिलीट करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउजर में। जी हाँ फ्रेंड, क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद फ्रेंड आपको अपना यूट्यूब चैनल का जीमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है क्रोम ब्राउजर में। लॉगिन होने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फ्रेंड आपको अपना यूट्यूब चैनल का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। सिंपली आपको अपना यूट्यूब चैनल के लोगो में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपका यूट्यूब चैनल का लोगो और फ्रेंड यहाँ पर YouTube स्टूडियो, उसके राइट साइड में फ्रेंड आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली फ्रेंड आपको सेटिंग में क्लिक कर देना है। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड सिंपली यहाँ पर आपको सबसे नीचे पुराना है एडवांस सेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। सिंपली फ्रेंड आपको एडवांस सेटिंग में क्लिक कर देना है। एडवांस सेटिंग में क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, जैसे कि फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो यूट्यूब चैनल का कस्टम यूआरएल है फ्रेंड वहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। जैसे फ्रेंड आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल का कस्टम यूआरएल है वीरेंद्र टेक्निकल, वीरेंद्र टेक्निकल www.youtube.com वीरेंद्र टेक्निकल, वीरेंद्र टेक्निकल। तो फ्रेंड आपको जैसे कि मैं इस यूआरएल को डिलीट करूँगा तो फ्रेंड आपको यहाँ पर फ्रेंड आपको लिखा हुआ मिलेगा और कस्टम यूआरएल सिस्टम है चेंज। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको लर्न मोर में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी इस तरह का पेज आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद फ्रेंड आपको सबसे नीचे पर आना है और फ्रेंड यहाँ पर आपका यूट्यूब चैनल लॉगिन नहीं रहेगा तो फ्रेंड आपको अपना यूट्यूब चैनल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल लोगो आ गया। उसके बाद फ्रेंड आपको नीचे पर आना है, नीचे फ्रेंड आपको देखने के लिए मिल जाता है रिमूव यूआरएल, रिमूव कस्टम यूआरएल क्लेम ए न्यू ऑन। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड एक नया पेज खुल के आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर में फ्रेंड फर्स्ट नंबर में साइन इन टू यूट्यूब एंड गो टू योर अबाउट। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको अबाउट मी में क्लिक कर देना है। अबाउट मी में क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड मेरा यहाँ पर नेट स्लो है जिसके कारण से फ्रेंड मेरा मोबाइल भी धीरे काम कर रहा है। तो फ्रेंड आपको कुछ इस तरह से पेज खुल के आ गया यहाँ पर। तो फ्रेंड यहाँ पर भी यदि आपका जीमेल अकाउंट अलग रहेगा तो फ्रेंड आपका यूट्यूब चैनल का जीमेल अकाउंट को यहाँ से भी लॉगिन कर लेना है अपना यूट्यूब चैनल के जीमेल को। और फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल का जीमेल लॉगिन हो गया और यूट्यूब चैनल लॉगिन हो गया। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको सिंपली फ्रेंड नीचे की ओर आना है, नीचे फ्रेंड आपको देखने के लिए मिल जाता है अबाउट का ऑप्शन, जैसे फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट में फ्रेंड आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब कस्टम यूआरएल। तो फ्रेंड यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है तीर में। तीर में क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, यहाँ पर फ्रेंड आपको देखने को मिल जाता है हु कैन सी योर कस्टम यूआरएल, एनी वन कैन सी दिस इन्फो विद दिस यू कंटेंट योर क्रिएट ए गूगल सर्विस लर्न मोर। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको रिमूव में क्लिक कर देना है। रिमूव में क्लिक करने के बाद फिर से फ्रेंड आपको रिमूव का ऑप्शन आ जाता है, सिंपली आपको रिमूव में क्लिक कर देना। जैसे फ्रेंड आप रिमूव में क्लिक करेंगे फ्रेंड आपका जो यूट्यूब चैनल का कस्टम यूआरएल है फ्रेंड वो डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड हम नीचे की ओर आते हैं फिर से फ्रेंड और हम देखते हैं अबाउट में। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिंक है फ्रेंड वो डिलीट हो गया। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर एड मोर अबाउट यू का ऑप्शन आता है। तो फ्रेंड उसके बाद फ्रेंड हम चलते हैं अपना यूट्यूब चैनल में। तो वहाँ से फ्रेंड हम देखेंगे कि हम लोग का जो यूट्यूब चैनल का यूआरएल है फ्रेंड वो डिलीट हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड फिर से हम यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर पता चलेगा कि हम लोग का जो यूट्यूब चैनल का यूआरएल है फ्रेंड वो डिलीट हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं चैनल सेटिंग यूर एलिजिबल फॉर ए कस्टम यूआरएल क्लेम इट हियर का ऑप्शन आता है, यानी फ्रेंड जो हम लोग का यूट्यूब चैनल का यूआरएल है फ्रेंड वो डिलीट हो चुका। तो फ्रेंड इसी तरह से हम अपना
यानी फ्रेंड आप अपना यूट्यूब चैनल का URL को डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ जानकारी मिली है, मिली है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। फ्रेंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर नई वीडियो जानकारी सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।